विधि भैया नमस्ते प्रणाम। और आज है 4 सितंबर। आज के ब्लॉग में सभी दीदी भैया का स्वागत अभिनंदन है। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी दीदी भैया हैं उनसे मैं बेहद विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया हमारे वीडियोस को आखिर अंत तक देखें और कृपया लाइक ज़रूर करें। दीदी भैया लाइक करने से होता है कि हमारे वीडियो की पहुँच दूसरे दीदी भैया तक, सम्मानित सदस्यों तक पहुंच रहेगी इस वीडियो की, और ये वीडियो YouTube दूसरे दीदी भैया तक पहुंचाने में मददगार साबित होगा। तो एक लाइक और कमेंट ज़रूर करें, टिप्पणी क्रम संख्या में अपनी राय मशवरा जो भी आपको उचित लगे वो हमारे अपने अनुभव हमारे साथ साझा ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें कॉमेंट टिप्पणी क्रम संख्या में। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि वीडियो को आप आखिर अंत तक देखिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। नमस्ते प्रणाम। और इधर प्रज्ञा छील रही है आलू। थोड़ी बहुत मदद बच्चे भी कर देते हैं। इधर प्रेरणा छील रही है बड़े नींबू गागर बिक्री हेतु। इसका भी हम लोग बिक्री करेंगे, जो हमारे पेड़ में फलता है गागर, बड़ा वाला नींबू, खट्टा मीठा जो होता है। और ये रहा सलाद, जिसमें ब्रेड पकौड़ा में डालकर हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें सैलेड के रूप में, सलाद के रूप में। और ये रहा कुछ सामग्री, ये चोखा, आलू का चोखा, और ये बेसन का लेप घोल, बेसन का घोल, और ये ब्रेड, और ये चॉपिंग प्लेट, और ये हमारा कढ़ाई, और वो छोटी वाली गैस। तो इन सारे संसाधनों के साथ हम लोग बनाते हैं, यही छोटा सा हमारा संसाधन है, यही छोटा सा हमारा सेटअप है, और इसी से हमारा जीविकोपार्जन चलता है। तो दीदी भैया आप लोगों से बेहद विनम्रतापूर्वक निवेदन है, आग्रह है कि हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, और दीदी भैया लाइक करके जाएं। दीदी भैया आप लोगों से बेहद विनम्रतापूर्वक आग्रह है, कृपया लाइक, एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। ये रहा ब्लेड चॉपिंग प्लेट चाकू, और वे रहा चुन्नू। ये देखिए चुन्नू हमारा वहाँ रहा। कढ़ाई अब गर्म होने वाली है। नहीं पानी नहीं आ रहा है। तो ले ला जाइए ना, हो गई ना, छान दे खाली, छाने ला है। कुछ इस प्रकार से इसे हम लोग काट लेते हैं, और बीच में सैंडविच के तरह इसमें हम लोग चोखा डालते हैं, आलू का चोखा, और ये हमारा रिफाइन ऑयल। तेल गरम होगा अभी। ये देखिए इस तरह से हम लोग चोखा लगा के बनाते हैं, और इसमें लेप लगाकर इसमें हम लोग तलते हैं, यानी कि छानते या तलते, हम लोग तो छानते बोलते हैं। कुछ इस प्रकार से तलते हैं। ये रहा वही पंखा, पंखा चलो इसको अपनी टकरा दे तो कोई चीज ना हो।
देखिएगा अथी रखल है तो है। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? बाबू क्या नाम है? क्या? प्रेरणा कुमारी। तुम्हारा बाबू? प्रज्ञा। तो जो जो दीदी भैया नाम नहीं जानते हैं मैं परिचय करा दूं। हमारी छोटी वाली बच्ची का नाम प्रेरणा और बड़ी वाली बच्ची का नाम प्रज्ञा। और इधर प्रज्ञा खा रही है चावल और सब्जी। क्या खा रही है बाबू? कैसा लगा पड़किया खाकर? अच्छा। दिखाओ किधर है। खा के बताओ कैसा लगा। अच्छा, अच्छा लगा। यही चलते भाग दोपहरी उतरते ना घर में रहा हले पकवा धोले हले ना सब हले कहीं से देखे तो यही खेलते हला सब हरी है। केने हली बाबू केने खालो? आए बिल्ली। हाँ बिलार प्यार ना हले बिलार फिरावे थे फिरावे जो कहाँ से शुरू किया बिलार है मुआ के गली तो फिर आएगा उसको लेने। चलो नदी में बहवा देना नदी में ले जाके बहा देना। अब खा गई भी किया तो क्या कर सकते हैं। इतना डर ही नहीं देह में इतना डर कि एक वहां खा एक यहां खा रहे को फटिया तो लेके भाग गले तो कुछ ना बोली थली। बिल्ली खा गई ना हमारे प्यारे चुन्नू को जो हमारा एक मुर्गा था उसे बिल्ली ने खा मार दिया है। हम ऐसे ऐसे कर कर के लुकी थी अब तू वो से करके हम गला ऐसे चार करके ऐसे कर और से रख वही कैसे काफी दिक्कत होती है जब इस तरह से धुआं उठने लगता है तो इधर बन रहा है भोजन और काफी रसोई घर में धुआं उठ रही है। इधर रोटी भी बन रहा है उधर बन रही है सब्जी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है क्या करें हम लोग इसी में गुजारा करना पड़ता है क्योंकि गैस आज 3 महीने से ख़त्म है लेकिन जल्दी उसे भरवाने का प्रयास करेंगे। अभी जल गई बहुत धुआं दे रहा है।